श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। अर्थात श्री महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरउ कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का हरण कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। हे केसरी नंदन, आपकी जय हो। आपके ज्ञान और गुण की कोई सीमा नहीं है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति उजागर है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, श्री राम दूत, इस संसार में आपके समान दूसरा बलवान कोई और नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे बजरंग बली, आप महावीर और विशिष्ट पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। आपका रंग कंचन जैसा है, सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप अत्यंत चतुर विद्यावान और गुणवान हैं। आप सदा भगवान श्री राम के कार्य करने को आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम का गुणगान सुनने में आनंद रस का अनुभव करते हैं। माता सीता व लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने अति सूक्ष्म रूप धारण कर माता सीता को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का सहार किया और भगवान श्री राम के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सीउर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को प्राण दान दिया और श्री राम ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भ्राता भरत समान प्रिय हो। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुखों से तुम्हारा यशोगान हो, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक कुमार, श्री सनातन, श्री सनक, श्री सनंदन आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कवि कोविद कही सके कहां थे। यम कुबेर आदि तथा सब दिशाओं के रक्षक कवि विद्वान कोई भी आपके यश का संपूर्ण वर्णन करने में सक्षम नहीं है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने वानर राज सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मिलन कराकर उन पर उपकार किया, उन्हें राजा बनवा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परामर्श का विभीषण ने अनुसरण किया, जिसके फल स्वरूप वे लंका के राजा बने, यह बात सारा संसार जानता है। युग सहस्त्र जोजन पर भानु, निधियोताही मधुर फल जानू।
जो सूर्य हजारों योजन दूर है, जहाँ तक पहुँचने में हजारों युग लग जाते हैं, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। आपने भगवान श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार किया, परंतु आपके लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार के कठिन से कठिन काम आपकी कृपा से सहजता से पूरे हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज समाहरो आपे, तीन हु लोग हाँकते कापे। आपके वेग को केवल आप ही सहन कर सकते हैं, आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोगों के प्राणी कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे अंजनी पुत्र, जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं उनसे दूर ही रहती हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन क्रम वचन से अपना ध्यान आप में लगाते हैं, उनको सब दुखों से आप मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राजा श्री रामचंद्र जी सर्वश्रेष्ठ तपस्वी हैं, उनके सब कार्यों को आपने ही पूर्ण किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आपकी कृपा का पात्र जीव कोई भी अभिलाषा करें, उसे तुरंत फल मिलता है। जीव जिस फल की प्राप्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता, उसे मिल जाता है, अर्थात उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका यश चारों युगों, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलियुग में विद्यमान है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सभी जगह प्रकाशमान है। सारा संसार आपका उपासक है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री रामचंद्र के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संतों तथा सज्जनों अर्थात धर्म की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। हे केसरी नंदन, माता जानकी ने आपको ऐसा वरदान दिया हुआ है जिसके कारण आप किसी भी भक्त को आठों सिद्धियां और नौ निधियां प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास वृद्धावस्था और अन्य असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी रसायन औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने वाले भक्त को भगवान श्री राम जी के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजन के प्रभाव से प्राणी अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चितना धर ही, हनुमत से ही सर्व सुख कर ही। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं, उन्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उन्हें अन्य किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे बलवीर हनुमान जी, जो व्यक्ति मात्र आपका स्मरण करता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान जी,
आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुजी के समान कृपा करें ताकि मैं सदा आपकी उपासना करता रहूं। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से प्रतिदिन इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे परमानंद की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गोरी सा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है इसलिए आप उसके हृदय में सदा निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सूर भूप। हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों का हरण करने वाले हैं, आप मंगल मूर्त वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप श्री राम, श्री जानकी और लक्ष्मण जी सहित सदा मेरे हृदय में निवास करें।